गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन टू पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। मेन फोकस दो ही बातों पर है, वर्ण और वर्णमाला। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बोलने में हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, जो भी आवाज निकलती है, उसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी मुंह से निकली हुई आवाज को जब हम लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं वर्ण। जब तक लिखा नहीं गया तो वह ध्वनि है या आवाज है। फॉर एग्जाम्पल निकाले पौधा, क्या मैंने बोला पौधा। ध्यान दीजिए इसमें चार ध्वनियां हैं बोलने में। पाओ एक ध्वनि प है, दूसरी ध्वनि आओ, ठीक है पाओ। दूसरा है था, एक ध्वनि ध है, दूसरी ध्वनि आ। इसको जब हम लिखेंगे, देखिए ध्वनियों को लिख दे रहा हूं, पहरन प्लस आओ प्लस धारण प्लस पौधा। बोलने में ये चार ध्वनियां हैं, किंतु जो हमने लिख दिया इन्हीं को कहते हैं वर्ण या अक्षर। अब इसको तो हमने कुछ डिवाइड कर दिया, कुछ क्षण डिस्कस कर दिया, लेकिन जब हम चाहेंगे तो इसको और हम खंड करें, इसका और टुकड़ा करें तो हम नहीं कर सकते। आओ आधा लिख नहीं सकते, आधा प है तो कमल पर लिख नहीं सकते। तो वर्ण की परिभाषा ये दी गई कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, मुंह से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके और खंड न किए जा सके, उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण किसी भी भाषा की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण के प्रकार। मुंह से आवाज निकली, हमने उसे लिख दिया, वो हो गया वर्ण। अब ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर वन स्वर, नंबर टू व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपको याद होगा, अ आ इ ई स्वर, क ख ग घ व्यंजन। अब स्वर में तीन कैटेगरी ये बताते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। पढ़ते समय आप लोग जो बोलते थे छोटी ई छोटा ऊ, तो जो छोटी ई छोटा ऊ जो ये सब है ना, यही सब ह्रस्व है। जब मैं मात्रा पढ़ाता था तो अपनी छोटी ई की मात्रा की जल्दी से बोलना है, और तो अपनी बड़ी ई की मात्रा की ये दीर्घ है। तो ह्रस्व की परिभाषा हम ये करते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। दीर्घ को परिभाषित करते हैं कि जितना समय ह्रस्व को बोलने में लगता है उससे दोगुना समय लगता है, तो उन वर्णों को हम कहते हैं दीर्घ। आ ई ए ऐ ओ औ। एक लड़के ने कहा, आपने पूछा क्या नाम है, कहा गोपाल। उन्हें घबरा, इतना जल्दी बोलोगे, वो जो है दीर्घ है गोपाल। तो ह्रस्व के बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ को बोलने में ह्रस्व का दुगुना समय, और प्लुत को बोलने में
तिगुना समय हरस होता। इसलिए जब प्लुत का कहीं संकेत देना होता है तो ऐसे हिंदी का तीन मतलब एक दो तीन तिगुना समय है। कभी देखा होगा ओम ओ लिखा रहता है उसके बाद ये तीन रहता है फिर वह रहता है। इसका प्रयोग पुकारने में किया जाता है। जैसे रामू अब हूं तो ये प्लुत है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से देख प्लुत तो दे दिया। हाँ व्यंजन देखिए एक चीज और स्वर के तीन भाग तो हो गए रस दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी भाग रहे थे लेकिन वो प्राप्त दिया नहीं है इसलिए उनको मैं बताऊंगा नहीं। अब हम आते हैं परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा है जिन वर्णों को बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या करते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते और इनकी संख्या है 33। वैसे क से ज्ञ 36 होता है उसमें से माइनस 3 कर देते हैं छत्र ज्ञ 33। इस तरह से वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हो गए 40। अब बचा क्या स्वर में अ से अह 13 है मैं 11 ले रहा हूं जो तांग है पानी पीना इंटरवल तो हुआ नहीं अंग और अह बच रहे हैं तो अंग और अह को न तो स्वर कहते हैं न तो व्यंजन कहते हैं उनको कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह इसलिए कहते हैं कि न तो इनमें स्वर के लक्षण मिलते हैं और न तो व्यंजन के लक्षण मिलते हैं इसलिए अयोग वाह। अगर आपसे पूछा जाए अयोग वाह को परिभाषित कीजिए अयोग वाह किसे कहते हैं सिंपल उत्तर दे सकते हैं अंग और अह को अयोग वाह। ठीक। अब अंग को अनुस्वार कहते हैं अनुस्वार भी कहते हैं जिसका उच्चारण नासिका से होता है नासिका अनुस्वार से अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण थ की तरफ प्रातः अतः विसर्ग तो अंग और अनुस्वार अंग और अह को अयोगवा कहते हैं। अंग का दूसरा नाम अनुस्वार भी है और अह का दूसरा नाम विसर्ग भी है। अब ये बात हुई 13 अ से अह। अब व्यंजन में देखते हैं 33 माइनस 3 हमने किया था तो माइनस 3 में यही हमें छत्रज्ञ ये 3 कट जाते हैं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब मिला हुआ आपस में ज्वाइंट है और एक और इसमें जुड़ जाता है स्र। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से दो वर्ण जुड़े हैं? त्व अलंत रस्व
छ आलन प्लस रू थ्र आलन प्लस यलन प्लस ये चार संयुक्त व्यंजन है। वैसे आपका हिसाब किताब बस ज्ञात ही है, इसको अतिरिक्त यह है। तो ये भी 36 हो गया, स्वर 11 व्यंजन 33 टोटल 40 हो गया। अब एक चीज और उसमें देता है चंद्र बिंदु, अनुनासिक वर्ण कहते हैं इसको, इनका उच्चारण करने में मुंह और नाक दोनों का यूज होता है। बस इतना ही। र के विभिन्न रूप, तो पहला रूप उसने आपको दिया है कि र पे, र में हम मात्रा कैसे लगाते हैं, छोटा रूप और बड़ा रूप। तो भैया एक बार देख लीजिए, ये देखिए र में छोटा रूप है और ये है र में बड़ा, पेट में मात्रा रहती है ऊपर लेने से। दूसरा एक र ये है, कहां नहीं होगा प्रश्न, ठीक है, तो हमें र लगाना है प्रश्न। दूसरा र ये भी है कहा यूज होगा पुर, कर, ठीक है घर, तो कर लिखते हैं। कर क्योंकि मैं जब क्लास टू में पढ़ता था या क्लास वन में था तो मैंने इसको तरन पढ़ा था, गरन तालाब में मेघर तरन तरन बोल रहे हैं, तो हम लोग मास्टर साहब कहे कि तरन तरन नहीं तरन तरन, तो तरन। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसका, कर्म कर्म। देखो ये जो बेटा भाव है यह पूरा है, इसमें सर मिला हुआ है। अरे भाई त्र कैसे बना, त हलंत प्लस र, र पूरा है ना, तो प्र कैसे बना, प हलंत प्लस र ये पूरा है, रूप में समझ में आएगा। ये जो है आधा है, इसका उच्चारण जल्दी से करेंगे और जहां पर इसका उच्चारण होगा, जिस वर्ण के बाद इसका उच्चारण होगा, यह जो रेप है आसमानी रेप इसको बोलते हैं, या उसके आगे वाले वर्ण पर लगता है, जैसे कर्म के बाद क्या बोल रहे हैं कर्म धर्म, तो किस पर लगा मुंह पर, जहां उच्चारण हुआ यहाँ बीच में वो अपने आगे वाले वर्ण पर लगता है। धर्म कर्म सर्म चर्म, इसका ध्यान रखना होगा, जहां उच्चारण होगा इसके अगले वर्ण पर यह रेप लगता है। और बचा है ये रूप र का, इसका यूज मेनली दो वर्ग में होता है, राष्ट्र ये भी राष्ट्र, ग्राम, फिर पुष्ट सब। तो र ये तीन रूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद वर्णों को शब्द में से
वर्णों को ध्वनियों को अलग अलग कर देना है। वर्ण विच्छेद कहलाता है, उसमें दिया होगा ध्वनियों को अलग अलग करके लिखा जाना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे घर नहीं, राम राम कितनी ध्वनियां हैं? चार, र आ म अ, राम। तो वर्ण विच्छेद देखिए, र हलन प्लस आ रावना प्लस म हलन प्लस अ राम, राम शब्द का वर्ण विच्छेद ये। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण संयोजन, वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद है तो अलग अलग वर्णों को इकट्ठा कर देना वर्ण संयोजन है। ये भी पुस्तक में चलाएंगे। ध्वनियों को जोड़कर लिखा जाना वर्ण संयोजन है। तो इसी को ले ले, इसमें क्या एग्जाम्पल दे रहा है, कान दे रहा है, कान अब कान शब्द का हमें वर्ण संयोजन करना है। ठीक, तो यह वर्ण संयोजन तो ऑलरेडी है, कुछ वैसे कर दे। क हलन प्लस आ प्लस न हलन प्लस अ, ये वर्ण विच्छेद है। तो क हलन प्लस आ क्या हुआ? क पर आ की मात्रा का, न हलन प्लस अ न कान। ठीक, बस।